अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं बैनुल अक्वामी मंजरनामे से अहम वाकयात की तरतीब तफसील। तालिबान ने अफगान हुकूमत और इसके मगरबी इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गुज़िश्ता बरस तय पाने वाले माहदे पर अमल नहीं कर रहे, जिनमें कैदियों की रिहाई और गैर मुल्की अफवाज की बेदखली शामिल है। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के एक सीनियर रुकन ने अल जज़ीरा को बताया कि फितरी दारुल हुकूमत में बैनुल अफगान बातचीत के आगाज़ के 3 माह में तमाम तालिबान कैदियों को रिहा किया जाना था। इक्वाडोर जेल फसादात में कम से कम 75 कैदी हलाक। जनूबी अफ्रीका के मुल्क की भरी हुई 3 जेलों में होने वाले फसादात का जिम्मेदार मुत्तहिद ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को करार दिया गया। कमजोरी तवानाई के आलमी मुआयना कारों से तावन करे यूरोपी ममालिक का इंतबाह। जौहरी तवानाई से मुतलिक बैनुल अक्वामी एजेंसी के साथ तावन को यकीनी बनाया जाए यूरोपी ममालिक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कामयाब अपेंडिसाइटिस सर्जरी। पोप फ्रांसिस ने कोरोना से ज़ाती मालिज की हलाकत के बाद नया डॉक्टर चुन लिया। मलिका बरतानिया के कज़न को खातून पर जिनसी हमले के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना से अमवात में कमी की खुशखबरी सुना दी। जॉनसन एंड जॉनसन की तैयार करदा वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ इंतहाई मौसर साबित। बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम वाकयात की तरतीब तफसील। पाकिस्तान में कोरोना वबा से मजीद 64 अमवात रिपोर्ट। मजमू तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,39,888 हो गई। NCOC रोशन डिजिटल अकाउंट ने मुतासिर कुन नतायज दिए गवर्नर स्टेट बैंक। तिजारती मराकज पर वक्त की पाबंदी खत्म, शादी तकरीबात मजारात और सिनेमा हॉल्स खोलने की इजाज़त। वोट चोरी में इमरान खान के नीचे काम करने वाली एजेंसियां मुलविस हैं, मरियम नवाज का दावा। वज़ीर आज़म ऑफिस से हिदायत के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती, ये मकामी तहरीक इंसाफ या इंतजामिया का काम नहीं। और आइए नाज़रीन, अब यहां बुलेटिन में शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद अमीन की खसूसी रिपोर्ट इस्लामाबाद से। आइए देखते हैं। फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजरों की मोहम्मद अकरम मुल्तानी की क्यादत में ईरानी कौंसल जनरल लाहौर मोहम्मद रजा नाजरी से मुलाकात। ताजरों के वफद की क्यादत ताजर रहनुमा मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चरल सदाम अतर खान और मोहम्मद अकरम मुल्तानी ने की। वफद में राना फहीम महमूद बिस्मिल्ला इंटरनेशनल, राना वसीम महमूद, राना रियाज अहमद फजा, असद जवेद भट्टी शामिल थे। मुलाकात में ईरानी कौंसल जनरल के अमरा कमर्शल कौंसल जनरल आगा मुर्तजा मौजूद थे। ताजरों ने ईरानी कौंसल जनरल को पाक ईरान तजारत में दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। मोहम्मद अकरम मुल्तानी का कहना था खुश दूध की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान में खुश दूध की तलब है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर का कहना था कि ईरान में प्याज की फसल वाफर मकदार में मौजूद है, पाकिस्तानी ताजर इम्पोर्ट करें। एम अमीन, ब्यूरो चीफ, देसी टीवी यूएसए, इस्लामाबाद। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपको खबर दे रहे हैं। इस होलोग्राम को खाया भी जा सकता है। ऐसे होलोग्राम्स असल गिज़ाई मसनूआत को शनाख्त करने के अलावा इनके ताज़ा या ख़राब होने का पता भी दे सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सेहत की दुनिया में। वजन में सिर्फ 5% कमी भी ज़्यादती से बचा सकती है। मोटापे को ज़्यादती समेत दर्जनों अमराज की जड़ करार दिया जाता है। और आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं अजीबोगरीब खबरों की दुनिया में। कैंसर को हराने वाली खातून अब खलानवर्द बनने के लिए तैयार। 29 साल हेली आर सेनाओ हड्डियों के सरतान को शिकस्त देकर अब अमेरिका की कम उम्र तरीन खलानवर्द होंगी। और आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं बिजनेस वर्ल्ड में। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के माबेन 1.1 अरब डॉलर का सालाना प्लान मंजूर। SBCA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन रोक ली गई।
आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। कियारा आडवाणी की तस्वीर खींचने पर सिद्धार्थ फोटोग्राफर्स पर बरस पड़े। सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों हर फंक्शन और अवार्ड्स की तकरीब में एक साथ नजर आ रहे हैं। राखी सावंत ने सलमान खान के साथ नया रिश्ता कायम कर लिया। इमरान हाशमी ने बॉलीवुड को फेक इंडस्ट्री करार दे दिया। आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं बुलेटिन के इख्तिताम पर खेलों की दुनिया में। बाबर आजम पीएसएल के टॉप स्कोरर बन गए। उन्होंने कामरान अकमल को दूसरी पोजीशन पर धकेल दिया। ए क्लास मोहम्मद हफीज ने सी कैटेगरी ठुकरा दी। आमिर यामीन ने पीएसएल की तारीख का महंगा तरीन ओवर करवा दिया। साथ ही अब तक की देसी टीवी यूएसए से खबरों का वक्त यहां खत्म हो जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।